गुड़ लगातार न्यूज समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बने वरिष्ठ पत्रकार संजय उपाध्याय जी। खबर के हेडलाइन सुनी, बक्सर रेलवे स्टेशन से पटना मेमू सवारी गाड़ी में 15 बोतल शराब के साथ एक जना के जीआरपी रेल दिहलस। खबर का बटुए विस्तार से जाने, शराबबंदी भले ही बंद बा लेकिन शराब तस्कर के हौसला बुलंद बा। तस्करी के तरीका देख के इहे कहल जाई, 2016 में बिहार में शराबबंदी लागू कैल गई ताकि पूरी तरह से शराब आ एकर सेवन करे वाला लोग से आवे वाला आधुनिक समाज के युवन के लैकन के बचावल जा सके, लेकिन तस्कर बाने की माने के नाम निखन ले। लेकिन पुलिसों भी आ कि चोर डाल डाल बने तो पुलिस पात पात भी आ। जी हाँ, ऐसने मामला बक्सर रेलवे स्टेशन पे देखे के मिलल, जब 13210 ई गाड़ी नंबर हटुए जौन कि पटना में मेमू सवारी गाड़ी ही आ, एकरा में 15 बोतल शराब के साथ एगो तस्कर के जीआरपी गिरफ्तार कर ले। 13210 डाउन पंडित दीनदयाल पटना में मेमू सवारी गाड़ी में साधारण बोगी से जनरल बोगी से 15 बोतल 750 ml के अनेक ब्रांड के अंग्रेजी शराब बरामद हुई, जौना में एगो व्यक्ति के गिरफ्तारी कैल गई जेकर नाम धीरज कुमार पिता सुरेश पासवान मठियापुर थाना शाहपुर जिला पटना के रहे वाला हटुए। इस संभवतः तस्कर उत्तर प्रदेश से शराब लेके आवत रहे, पुलिस अपन जगह जगह अभियान चलावत रहे। यही अभियान चलावे के दौरान ये तस्कर पुलिस के हाथे चढ़ गए, जेकरा बाद एकरा से पूछताछ कैल गई, नाम पता कैल गई। एकरा बाद एकर जीआरपी के जो प्रभारी बनी पोस्ट प्रभारी दीपक कुमार जानकारी देनी बतैनी कि 15 बोतल अंग्रेजी शराब जौन कि अनेक ब्रांड के रहे झोरा में लेके जात रहे, जेकरा बाद एकर गिरफ्तारी कैल गई। बटुए बता दी कि शराब के लेके चाहे वो रेल हो चाहे वो आम जगह हो खो चाहे वो गांधी सेतु पुल हो खो, हर जगह लगातार अलग अलग तरीका से अभियान चलावल जा रहल बा। ये अभियान के ही परिणाम बटुए कि लगातार शराब तस्कर के मंसूबा तूरे के प्रयास प्रशासन करती है, लेकिन शराब तस्कर कहीं ना कहीं अलग अलग तरीका से पकड़ल ही जा रहल बड़न। ये प्रमाणित करता कि शराब तस्कर के अभी हौसला कम नीखे भइल, लेकिन पुलिस भी कह दिया कि चलो तू डाल डाल चलो तनी हम पात पात। यही दरमियान एगो शराब तस्कर जीआरपी के हाथे चढ़ गिर बड़ा। भोजपुरिया समाचार रूरा दर्शक लोग से निहोरा करी कि चैनल सब्सक्राइब लाइक कमेंट और शेयर जरूर करी। बहुत बहुत धन्यवाद।